बोलो क्या पढ़ रहे हैं? मॉड्यूल लाए हो? है मॉड्यूल तुम लोगों के पास? लिखना A disc of radius r ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है? हाँ सर। ठीक है। A disc of radius r is suspended from from its circumference. Radius r is suspended from its circumference. And made to oscillate. Then find time period of its oscillation. Thank you.
करो, नहीं होगा। कैसा है आप? कौन सा पेंडुलम बनेगा? कंपाउंड पेंडुलम। और सर्कमफेरेंस से रोटेट करोगे तो क्या होगा? चलो देखते हैं। इसपे एक प्रॉब्लम करवाया था, वो रिंग पे था, ठीक है ना। इस टाइप का एक प्रॉब्लम करवाया थे जहां क्या था, रिंग था, और अभी ये क्या हो गया, डिस्क हो गया। तो डिस्क का सबसे पहले आई निकालोगे इसके अबाउट, आईओ विल बी व्हाट, आईसीएम प्लस एमआर स्क्वायर। और आईसीएम कितना होता है? हाफ एमआर स्क्वायर प्लस एमआर स्क्वायर करोगे कितना होगा? 3/2 एम आर स्क्वायर। और इसके लिए जो एल सी एम की वैल्यू होगी कितनी होगी? आर के बराबर। जो भी रिजल्ट है ओमेगा, ओमेगा कितना होता है? जो भी वैल्यू है पुट करोगे तो एम जी एल सी एम की जगह आर बाई टू, सॉरी एल सी एम की जगह आर डिवाइडेड बाई 3 एम आर स्क्वायर बाई 2। सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा? 2g/3r। और टाइम पीरियड कितना होता? 2π/ओमेगा। सो पुट करोगे इट विल बी 2π√3r/2g। ये तुम्हारा टाइम पीरियड है, ठीक है। चलो वापस चलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन पे। डैम्प्ड ऑसिलेशन में हमने फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला क्या था, एक्स का डिस्प्लेसमेंट का ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यही था। जहां ए का क्या रिलेशन था? कैपिटल ए ई टू द पावर माइनस 2m और t, ये था। जहां ए तुम्हारा क्या था? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये क्या है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, क्योंकि यही टाइम के साथ अब क्या होगा, डिक्रीज करेगा। हाँ, बी को क्या बोलते हैं? कौन सा कांस्टेंट? डैम्पिंग कांस्टेंट। इसको क्या बोलोगे? डैम्पिंग कांस्टेंट है ये। यहाँ पे जो ओमेगा होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? डैम्पिंग केस में जो ओमेगा होगा वो कितना होगा? रूट ओवर के बाई एम। नहीं, इस केस में जो ओमेगा होता है, डैम्पिंग केस में जो ओमेगा होगा, इट विल बी के बाई एम स्क्वायर माइनस ऑफ बी बाई 2m स्क्वायर, ठीक है। इसलिए इस ओमेगा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या
तेज बोलो ना सुनाई। स्मॉल डी तो टाइम है यार, ये तो टाइम है, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। स्मॉल डी को क्या करते, टेम्परेचर करते, क्या हो गया, हाँ साइकिल शुरू होगा तो साइकिल शुरू होने पे क्या होता है, क्या होता है, जहां से शुरू करेंगे वहां तो जीरो होता है, जहां पे साइकिल शुरू करोगे वहां पे वैल्यू क्या रखोगे, टी की जीरो रखेंगे, और जहां से अगर उस जो स्टार्टिंग है उस पॉइंट से टी टाइम आगे जाके देखना चाहते हो तो वो वैल्यू पुट करेंगे इधर। हो गया, नेक्स्ट लिखना। अभी देखो इसमें क्या होता है, ओसिलेशन जो है उसको थोड़ा डिवाइड करते हैं, या SHM को ही डिवाइड कर दो। SHM को जब डिवाइड करोगे, SHM दो तरीके का होता है, एक फ्री और एक फोर्स्ड। फ्री SHM और फोर्स्ड SHM। अब हमने जो भी पढ़ा है इसमें फ्री में दो टाइप का होता है, विदाउट डैम्पिंग और नेक्स्ट क्या होता है, विथ डैम्पिंग। विद डैम्पिंग और विदाउट डैम्पिंग, विदाउट डैम्पिंग का जो इक्वेशन होता क्या था, वो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये कौन सा केस है, जब डैम्पिंग नहीं होगा, जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा था, इसके पहले तक का, इस टॉपिक से पहले तक का जितना भी पोर्शन पढ़ा था हमने किसका पढ़ा था, विदाउट डैम्पिंग वाला कंडीशन, जिसमें हमने विस्कोसिटी को या फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करा था, एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट करा था। विद डैम्पिंग में क्या होता, जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाता है कि x या a इज इक्वल टू माइनस k बाई m और इधर क्या आता है वेलोसिटी, उसके बाद सॉरी x और इधर माइनस b बाई m, v इज इक्वल टू जीरो। ये तुम्हारा किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है डैम्पिंग का। जब डैम्पिंग होगा तो बी वाला टर्म इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जिसके चलते हमने ये सारी को इस साइड में प्लस होता, हाँ इस साइड में प्लस आएगा, दूसरे साइड होता तो माइनस होता। अब बात करेंगे फोर्स्ड का, फोर्स्ड SHM या फोर्स्ड ओसिलेशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। एक्सेडिंग इज़ ना फोर्स्ड ओसिलेशन, एंड रेजोनेंस, फोर्स्ड ओसिलेशन एंड रेजोनेंस। फोर्स्ड ओसिलेशन एंड रेजोनेंस लिखना इसमें, अ हार्मोनिक फोर्स एक्ट्स कंटिन्यूअसली, अ हार्मोनिक फोर्स एक्ट्स कंटिन्यूअसली ऑन द ओसिलेटिंग बॉडी, ऑन द ओसिलेटिंग बॉडी, अ हार्मोनिक फोर्स एक्ट्स कंटिन्यूअसली ऑन द ओसिलेटिंग बॉडी, on the oscillating body such that frequency of the oscillation is, frequency of the oscillation is equal to, such that frequency of the oscillation is equal to frequency of a given harmonic force, frequency of the given harmonic force
which may be different from natural frequency, of the system, देखो इसमें क्या होगा कि हमारे पास पहले एक सिस्टम था, जैसे ये स्प्रिंग मास वाला सिस्टम होगा, इसको एक बार डिस्टर्ब करके छोड़ देते थे तो क्या करता था, कंटिन्यूअसली ओसिलेट करता था। अभी इसको डिस्टर्ब नहीं, डिस्टर्ब ऐसा करेंगे इस पे कंटिन्यूअसली फोर्स लगा करके रखेंगे, ठीक है। और ये जो फोर्स होगा ये खुद हार्मोनिक नेचर का होगा, जो फोर्स होगा इट विल बी एफ नॉट साइन ओमेगा डी टी, ठीक है। ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं, हार्मोनिक फोर्स बोलते हैं, क्योंकि ये फोर्स किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है। तो अगर ये खुद साइन का फंक्शन है तो ये सिस्टम पे जब लगेगा तो क्या करेगा, जो मोशन होगा इसका, इसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा, और इसके साथ सिंक्रोनाइज होकर क्या करेगा, सिस्टम दिखाएगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आता है उसमें थोड़ा सा चेंज होता है कि पहले क्या हो रहा था, जब हम एक्स पोजीशन पे इसको डिस्प्लेस कर रहे थे, पहले जब हम इसको एक्स पोजीशन पे डिस्प्लेस करके देख रहे थे तो हमारे पास जो नेट फोर्स आ रहा था उसमें क्या क्या फोर्सेस था, या तो डैम्पिंग फोर्स, अगर डैम्पिंग फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो, और नहीं तो स्प्रिंग फोर्स जिसको हम रेस्टोरिंग फोर्स बोलते थे। लेकिन अभी क्या होगा, ये फोर्स भी एग्जिस्ट करेगा, अभी के लिए क्या हो रहा है, ये जो फोर्स है ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर नेट फोर्स देखोगे, एफ नेट एक्टिंग ऑन द सिस्टम इन दिस केस विल बी माइनस ऑफ केएक्स माइनस ऑफ डीवी प्लस एफ नॉट साइन ओमेगा डीटी, ये फोर्स भी एक्ट करेगा, ठीक है। और अब नेट फोर्स को, ये जो नेट फोर्स होता है इसको किससे रिप्लेस करते हैं, एम ए से, तो इसको इस साइड लाओगे तो इट विल बी प्लस के एक्स प्लस डीवी बराबर कितने हो जाएगा, एफ नॉट साइन ओमेगा डी टी के। यानी अभी जो इक्वेशन है तुम्हारा उसमें एफ नॉट जो है इसका भी पार्ट दिखेगा। अगर ये फोर्स गायब कर दोगे, ये फोर्स गायब कर दोगे तो ये किस, कौन सा इक्वेशन बन जाएगा, डैम्प्ड वाला। अगर बी गायब कर दोगे तो विदाउट डैम्पिंग वाला, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इससे क्या मिलेगा तुमको, यहां से मिलेगा इक्वेशन, कौन सा, जब हम डैम्पिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्या ओमेगा डी है फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस फोर्स, क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक फोर्स, ओमेगा डी में लिख सकते हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हो गया, लिख लो इसमें, वेयर ओमेगा डी इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ, हार्मोनिक फोर्स, ओमेगा डी इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक फोर्स और ड्राइविंग फोर्स,
इस हार्मोनिक फोर्स को क्या बोलते हैं? ड्राइविंग फोर्स भी बोलते हैं. क्या एफ नॉट? यार एम्पलीट्यूड है फोर्स का. क्या क्या सवाल पूछते हो. जब एक्स का इक्वेशन लिखते थे ए साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे ए क्या होता था? किसका एम्पलीट्यूड. तो फिर अगर एफ का इक्वेशन लिखे तो एफ नॉट क्या होगा? एकदम बेसिक वीक है तुम लोग. फिर क्या ही पढ़ाएगा आदमी. हाँ तो लिखवाया है ना उसमें लाइन जो ऊपर लिखा हुआ क्या हुआ. हाँ सेम चीज लिखवाया हुआ. देखो अब यहाँ से ए का इक्वेशन लिखा हुआ है ना एक्स का, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन चाहिए. डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होगा ए साइन ओमेगा डी इंटू टी प्लस फाइव. अब तुमको दिख रहा है कि ये ओमेगा डी क्या है. ओमेगा डी किसका? डैम्पिंग का, ठीक है. हाँ डिस्प्लेसमेंट का भी है ये, लेकिन यहाँ पे जो ए है ना एम्पलीट्यूड, यहाँ पे ए क्या होता है? प्रूफ अगेन तुम्हारे काम का नहीं. ए जो होता है इट इज एफ नॉट बाई एम डिवाइडेड बाई, वैल्यू याद रखना है तुम लोग को, ओमेगा एन माइनस ओमेगा डी स्क्वायर प्लस ओमेगा डी बाई बी एम स्क्वायर. ये होता है एम्पलीट्यूड. यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है? एम्पलीट्यूड है. एफ नॉट बाई एम डिवाइडेड बाई, इसका रूट भी लगा दो, यहाँ पे रूट भी होगा. ये पूरा जो रिलेशन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब यहां देखो ए जो है वो किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है. ए को अगर देखोगे यहाँ पे तो किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा? हाँ ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि जब फोर्स बढ़ाएंगे, फोर्स को अगर इंक्रीज कर रहे हो, फोर्स के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करो, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? बढ़ेगा. जितना फोर्स की वैल्यू बढ़ाओगे, तो देखो एफ किधर आ रहा है? एफ आ रहा है ऊपर. और ये जो ए का टर्म है दिस इज ओमेगा एन माइनस डी स्क्वायर. इसका एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लो. ओमेगा डी बी बाई एम ऐसा होता है. उधर बी बाई टू एम लिखे थे ना इक्वेशन में, जो इसके पहले इक्वेशन लिखे थे. हाँ तो यहाँ पे बी बाई एम कर ले. बी जो ऊपर नीचे लिखे थे उसको कर देना ऊपर, बाकी सारा चीज वही है. ओमेगा एन क्या है यहाँ पे? व्हाट इज ओमेगा एन? बहुत सारी यहाँ पे टर्म है, जैसे ओमेगा डी है, ओमेगा एन है, बी एम एफ नॉट है, एम है, ये सबका क्या मतलब है? हाँ ओमेगा एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओमेगा एन रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी. नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब अगर फोर्स नहीं लगता तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ओमेगा डी के बारे में बता ही दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक या फिर इसी को ड्राइविंग भी बोलते हैं, क्योंकि यही सिस्टम को क्या कर रहा है? ड्राइव कर रहा है. इसलिए डी यहां पे दिख रहा है, डी फॉर ड्राइविंग फोर्स. एफ नॉट भी लिख लो. एफ नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ हार्मोनिक फोर्स. बी के बारे में लिखा चुके हैं, एम के बारे में भी लिखा चुके हैं. अब देखो इसी इक्वेशन में अगर डैम्पिंग नहीं होता तो ये वाला टर्म गायब हो जाता. अगर इसी इक्वेशन में डैम्पिंग नहीं होता बस तुम्हारा फोर्स होता तो ये वाला बी क्या हो जाता? जीरो हो जाता. तो तुम्हारे पास क्या बचता? बस ये वाला टर्म बचता से. तो नोट में ये भी लिख सकते हो, इफ इफ देयर इज नो डैम्पिंग अगर डैम्पिंग नहीं है तो दैट इज बी इज इक्वल टू जीरो. अगर बी की वैल्यू जीरो हो गई तो फिर एम्पलीट्यूड कितना होगा?
ए की वैल्यू कितनी होगी? इट विल बी एफ नॉट बाई एम इंटू ओमेगा एन माइनस ओमेगा डी. एक बार डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करना है इसका, क्या डायमेंशनली करेक्ट है? जो भी इक्वेशन लिखा हुआ है क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है? इसका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट? मीटर. तो एक बार मैच करो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है. कर पाओगे? क्या कर लिए चेक? करेक्ट है? कोई करेक्ट बोल रहा है, कोई इनकरेक्ट बोल रहा है. ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम चीज है यार. डायमेंशनली करेक्ट है? अरे चेक तो कर लो. टी टर्म का अगर डिफरेंस आ रहा है छोटा सा चेंज कर लो. यहाँ स्क्वायर लगा दो, यहाँ स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, इधर स्क्वायर, इधर स्क्वायर. अब चेक करो होगा. ठीक है, अगर नीचे स्क्वायर लगा दोगे तो देखो ऐसे भी होता है ना. फोर्स जो होता है, फोर्स का एक तुमको रिलेशन याद होगा कि एफ सी जब हम लिखते थे एम ओमेगा स्क्वायर आर लिखते थे ना. तो इधर देखो ये एफ नॉट जो है इधर मल्टीप्लाई करते तो एम तो दिखता, ए भी तुमको दिखता, लेकिन ये जो टर्म है ओमेगा एन माइनस ओमेगा डी लिखते ना तो वो कितना का टर्म हो जाता, इसका मतलब हो जाता है यहाँ ओमेगा, लेकिन हमें चाहिए क्या? ओमेगा स्क्वायर चाहिए. तो इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर. तो ये कब होगा? जब इधर स्क्वायर होगा. तो उसको चेक कर लो, अब सही देगा वो. नोट में ही लिखेंगे व्हेन व्हेन ओमेगा डी इज वेरी क्लोज टू ओमेगा एन. जब ओमेगा डी है वो क्या हो जाए? ओमेगा एन के आसपास हो जाए, या कभी कभी, और ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन, ऐसा अगर सिचुएशन हो जाए, दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट आसपास हो या एकदम इक्वल हो जाए, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? दिस कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस. इसको क्या बोलते हैं? दिस कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस. अब भी दो सिस्टम हो और दोनों सिस्टम की मतलब ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाए, कभी भी दो फ्रीक्वेंसी मैच होती है ना दो अलग अलग सिस्टम की, जैसे ट्यूनिंग फोर का भी रेजोनेंस पढ़ते हैं आगे इसी, जब वेव में जाएंगे तो वहां पे हम क्या पढ़ेंगे? ट्यूनिंग फोर का रेजोनेंस पढ़ेंगे. तो रेजोनेंस में होता क्या कि फ्रीक्वेंसी, दो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है?
बराबर हो जाती है, और ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। देखो जैसे ये टर्म बराबर होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, जीरो, या तो जीरो हो गया, ऑलमोस्ट जीरो हो गया। तो जब भी ये जीरो हो गया तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, सिंपली अगर देखोगे तो क्या बचेगा, बोलो ए की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, एफ नॉट बाई एम डिवाइडेड बाई ओमेगा डी बी बाई एम, और एम एम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से क्या बचेगा, हाँ ए जो बचेगा इट विल बी एफ नॉट ओमेगा डी इंटू बी। ये एम्पलीट्यूड है और ये मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड है इस फोर्स के लिए, इस गिवन फोर्स के लिए। ये कैसा एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड है, क्योंकि इससे ज्यादा का एम्पलीट्यूड नहीं हो सकता। यानी रेजोनेंस में जो एम्पलीट्यूड आता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो लिख लो, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड, ये लिखने के बाद लिखना। This is the maximum possible amplitude. Maximum possible amplitude in case of forced oscillation. In case of forced oscillation. ग्राफ प्लॉट करेंगे एम्पलीट्यूड वर्सेस ओमेगा ग्राफ। इधर ए और इधर ओमेगा। रेजोनेंस का लोगो देखे हो, रेजोनेंस कोचिंग का लोगो देखे हो, किसी को याद है क्या होता है रेजोनेंस का? ऐसा होता है ना। तो ये ना, अब देखो साइंटिफिक कोचिंग है तो उसका लोगो भी क्या है, साइंटिफिक। या जो ग्राफ आता है ना ए वर्सेस ओमेगा का, इस तरीके का आता है। इसी से उसने क्या करा, लोगो चुरा लिया, ठीक है ना। कौन क्लेम करेगा इसको, क्लेम करने के लिए फिर उठ के आना पड़ेगा रॉबर्ट हुक को। हुक का नाम सुने हो, या फिर एक और साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उसका, हाइजीन को, या न्यूटन को उठ के आना पड़ेगा, भैया कि ये सब हमारा खोज है तुम क्या यूज कर रहे हो। तो न्यूटन अब ऊपर से आएगा नहीं। अब इसमें क्या होता है, ये वेरिएबल, ये जो चीज है ये कब मिला, मैक्सिमम पीक कब मिलेगा तुमको, मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा तुमको, जब ओमेगा डी की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, ओमेगा एन के बराबर हो जाए। ऐसा ग्राफ मिलता है। अब इसमें वेरिएशन ला सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ बी। अगर ये बी वन है, ये बी टू है और ये बी थ्री है, तो अगर बी वन बी टू बी थ्री में तुमसे रिलेशन पूछा जाए कि विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर, बता दोगे कैसे बताओगे? बी थ्री क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड अगर देखोगे ना, एम्पलीट्यूड का जस्ट अभी हमने रिलेशन देखा, एफ नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा डी इंटू बी। तो बी जितना बड़ा, एफ नॉट तो कॉन्स्टेंट है, बी जितना बड़ा एम्पलीट्यूड उतना छोटा। तो बी थ्री जो है वो क्या होगा, सबसे बड़ा, उसके बाद बी वन। तीन ग्राफ क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने किसमें वेरिएशन लाया, हमने B में वेरिएशन लाया, तो तीन अलग अलग ग्राफ मिला। अगर एक B के लिए ग्राफ प्लॉट करते तो कैसा मिलता है, इसे पहाड़ टाइप का, जो रेजोनेंस का क्या है, लोगो है।
ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? कौन बोल रहा है? नहीं नहीं, कौन बोला है? जो भी नहीं बोला वो कल से ऑनलाइन पढ़ेगा। मास्टर का फिरकी लेता है बताओ। अभी यहाँ बुला करके मुर्गा बना देंगे। और हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होगा जब मुर्गा भी अंडा देगा। चाय ठंडा हो गया। छाप लिए? अरे कितना बात करते हो, सवेरे सवेरे क्लास में ऐसे ही बात करते हो क्या? कल नहीं मिले हो उसी का पूरा बात यहाँ पे आकर डिस्कस कर रहे हो। एक दिन का गैप मिल गया ना तो पूरा इकट्ठा करके रखे हुए भी कल क्या क्या करे हैं। अभी जो भी जिसको भी सुन लेंगे ना बात करते हुए, देख लेंगे अगर बात करते हुए, उसको खड़ा होकर कल का अपना पूरा कहानी बताएगा उसने क्या क्या करा है, ठीक है? और अगर नहीं बताया तो आज प्रकाश दास से खाना नहीं लेने देंगे, बोल देंगे कि इसको खाना मत देना और पैसा ले लेना। चलो इसी के साथ तुम्हारा एसएसएम खत्म होता। ठीक है, अब देखो जितने भी चीज है ना, बिल्डिंग है या फिर ब्रिज है, सबका अपना कुछ ना कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। अगर उस फ्रीक्वेंसी को किसी और के बॉडी, किसी और बॉडी के फ्रीक्वेंसी से मैच करा दोगे तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा मतलब वो वाइब्रेट जो करेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और उसके चलते क्या होता है? डैमेज होता है। जैसे जो भी जब अर्थक्वेक आता है तो कुछ कुछ बिल्डिंग गिरता है, कुछ कुछ बिल्डिंग क्यों नहीं गिरता? अर्थक्वेक के टाइम में एक वेव प्रोड्यूस होता है जिसको सिस्मिक वेव बोलते हैं। और सिस्मिक वेव का कुछ अपना फ्रीक्वेंसी होगा। उस फ्रीक्वेंसी से अगर किसी बिल्डिंग का फ्रीक्वेंसी मैच हो गया तो वो बिल्डिंग क्या होगा? गिर जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए क्या होता है कि जो ब्रिज है ना, ब्रिज पे कभी भी मिलिट्री या आर्मी को वो स्टेप करते हुए नहीं जाने देते हैं। जैसे होता है ना वो लोग जो भी अपना परेड करता है तो नॉर्मल जब पाथ पे चलेगा तो परेड उसको फॉलो करना होगा कि जो भी तुम्हारा स्टेप्स है, जो स्टेप्स फॉलो करने का जो रूल है वो क्या करोगे? करोगे। लेकिन जैसे ही ब्रिज पे जाओगे नॉर्मल तरीके से चलोगे। नॉर्मल तरीके मतलब एक का लेग दूसरे से सिंक्रोनाइज नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि जब चलेंगे ना तो फ्रीक्वेंसी आएगा, अगर वो फ्रीक्वेंसी ब्रिज के फ्रीक्वेंसी से मैच हो गया तो फिर सारा लोग कहाँ चले जाएगा? हाँ, पानी में विलीन हो जाएगा। इसलिए नहीं करवा, ये प्रैक्टिकल भी ऐसा देखते। कभी कभी देखो ना कि गिटार बजा करके या सितार बजा के ग्लास को तोड़ देते हैं, ठीक है? वो क्या होता है, ग्लास का फ्रीक्वेंसी अगर सितार के फ्रीक्वेंसी या गिटार के फ्रीक्वेंसी से मैच हो गया तो ग्लास क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसमें क्या होता है? रेजोनेंस होता है, ठीक है ना? रेजोनेंस का जो भी सिचुएशन है, फोर्स रेजोनेंस का एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देता है। और एम्पलीट्यूड अगर इंक्रीज हो गया तो फिर क्या होगा? डैमेज होगा, ठीक। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे वेव। एम्पलीट्यूड खत्म हो गया तुम्हारा, नेक्स्ट इज वेव। फिर बात कर, अरे क्या हो गया है? कौन बात कर रहा है इतना ना? हाँ एकदम चमचमाते हुए पन्ने पे स्टार्ट करो, नया चैप्टर है। अब यहाँ पे नाम तो इसका वेव है लेकिन सारे वेव के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे हम, बस दो वेव के बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ट्रांसवर्स वेव में वेव ऑन स्ट्रिंग और लॉन्गिट्यूडनल वेव में साउंड वेव डिस्कस करेंगे। मतलब ये जो भी चैप्टर है अगर तुम्हारे मॉड्यूल में देखेंगे ना तो इसको तीन पार्ट में ब्रेक करके दिया हुआ है, दो पार्ट में ब्रेक करके दिया हुआ है। वेव मोशन, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर साउंड का ही पार्ट है लेकिन तुम्हारे मॉड्यूल में क्या कर दिया उसने? अलग से एक चैप्टर बना करके दे दिया। वो इसलिए क्योंकि नीट का फेवरेट टॉपिक है डॉपलर। अगर सवाल पूछना होता है तो कहां से पूछ देता है? वो डॉपलर से पूछ ही देता है। साउंड या वेव से सवाल पूछना होता है नीट में पूछ देता है। तो वेव होता क्या? सबसे पहली बात क्या होता है वेव? जिसका क्या हो? अरे नहीं है, जिसका एक फ्रीक्वेंसी है। पानी में कभी पत्थर फेंके हो? क्या जनरेट होता है? रिपल उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
रिपल। अब रिपल का नेचर क्या होता है, तुम देखा होगा कि ऐसा लगता है कि ये मान लो यहाँ पे पत्थर फेंके तो इस तरीके का सर्कल क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, ऐसा सर्कल बनता है। ये पहले इसका छोटा रेडियस होता है, टाइम के साथ रेडियस क्या होते जाता है, इंक्रीज होता है। तो तुमको फील क्या होता होगा कि ये जो यहाँ पे जो ये था ना पानी था, ये डिस्प्लेस होकर कहाँ चला गया, बाहर चला गया। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे इसी जगह पे एक लकड़ी रखोगे ना तो लकड़ी इधर नहीं जाएगा, वो अप डाउन मोशन करेगा। रिपल पे अगर तुमने स्टोन फेंका कंटिन्यूअसली एक स्टोन फेंकोगे तो पल्स जनरेट होगा। एक बार स्टोन फेंकोगे, ये सर्कल गायब, फिर ये मिलेगा, फिर ये सर्कल गायब, फिर ये मिलेगा। अगर कंटिन्यूअसली उस पोजीशन पे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करोगे या फिर वेव ये स्टोन फेंकोगे तो अब जो वेव जनरेट होगा ना, अब तुमको ये सारे वेव एक साथ में दिखेंगे, मतलब सारे रिपल्स क्या दिखेंगे तुमको, एक साथ में दिखेंगे, सारे पैटर्न तुमको एक साथ में दिखेंगे। तो वही समझना क्या है कि क्या एक्चुअल में फ्लूइड जो है वो यहाँ से ट्रांसफर होके यहाँ पे जा रहा है, वो देखने के लिए क्या करा, यहाँ पे एक कॉर्क रख दो या फिर लकड़ी रख दो, उड रख दो। तो हमने देखा कि जो उड है वो उसका कैसा मोशन होता है, अप डाउन मोशन होता है। मतलब इससे क्या मिला कि वेव जो है ना, वेव जब आता है तो पैटर्न ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह पे, जो मास है या मटेरियल का ट्रांसफर नहीं होता। तो यहाँ पे जो भी डिस्टरबेंस है वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करता है, और डिस्टरबेंस किस फॉर्म में ट्रेवल करेगा, इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक्चुअली वेव क्या लेके घूमता है, वेव के पास एनर्जी होती है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, और अगर एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो इट कैन बी ट्रांसफर्ड अप टू, इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड अप टू इंफिनिटी। और अगर बीच में एनर्जी का लॉस हो रहा है तो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड घटते जाएगा और क्या होगा, वेव खत्म हो जाएगा। जैसे साउंड वेव का एग्जाम्पल ले लो, जब हम बोलते हैं तो वहां से एनर्जी इमिट होता है, और वो जो एनर्जी है उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या होता है, रिड्यूस होते जाता है। अगर एम्पलीट्यूड धीरे धीरे रिड्यूस नहीं हो रहा था तो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो तुम कहाँ पे सुन लेते, जहां भी तुम्हारा रूम है वहां पे बैठे बैठे सुन लेते, आने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा होता है नहीं होता है। तो जब हम पढ़ेंगे ना, हमारे लिए क्या होगा कि हम लोग आइडियल सिचुएशन पढ़ते हैं, जो भी तुम्हारा किताब है उसमें क्या करते हैं, जो रियलिटी वाली चीजें ना, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, उसमें अजम्पशन लगा देते हैं कि लेट एम्पलीट्यूड बी कॉन्स्टेंट। एम्पलीट्यूड को क्या कर दिए, हर जगह कॉन्स्टेंट कर दिए, वेरी नहीं कर रहे। रियल लाइफ में ऐसा होता है नहीं होता, वो चेंज होगा, क्योंकि हमने डैम्प्ड ऑसिलेशन अभी पढ़ के आया। जब भी कोई वेव वेव होगा, वेव में एक पार्टिकल को अगर पकड़ के देखूंगा ना, दैट पार्टिकल विल बी एग्जीक्यूटिंग SHM। जब भी वेव मोशन होगा और उसमें एक पार्टिकल को पकड़ के पूछोगे तुम क्या कर रहे हो तो क्या करेगा, SHM कर रहा होगा। तो मतलब वेव क्या है, कॉम्बिनेशन है, कैसे पार्टिकल्स का, बहुत सारे पार्टिकल्स का जो क्या कर रहे हैं, किसी मेन पॉइंट के अबाउट SHM कर रहा है। जैसे आजकल एक्सरसाइज करते हैं तो देखो ना, रस्सी वाला कभी वीडियो देखते हैं ना मोटिवेशनल, जिसमें एक्सरसाइज करना होने का कुछ दिखाता है, जो मोटिवेट करता है भैया जिम ज्वाइन कर लो, तो क्या कर दिखाएगा कि एक रस्सी होगा इधर फिक्स करके रखेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, वो जो भी जिम करने वाला है वैसे इसको यहाँ पे डिस्टरबेंस देगा, तो तुमको दिखता है कि यहाँ क्या जनरेट होता है, वेव जनरेट होता है, ठीक है ना। तो उसने डिस्टरबेंस यहाँ पे प्रोड्यूस किया, अगर एक बार डिस्टर्ब करके छोड़ देता तो क्या होता है, एक पल्स यहाँ दिखता, कुछ देर बाद ये यहाँ, कुछ देर बाद यहाँ, और ऐसे आकर के इससे टकराता। अगर कंटिन्यूअसली करते हैं तो फिर क्या जनरेट होता है, यही पल्स जो है, कंटिन्यूअस पल्स जो है किसमें चेंज हो जाता है, वेव में चेंज हो जाता है। और अगर यहाँ पे हार्मोनिक चेंज दोगे तो जो ग्राफ बने वो किस तरीके बनेगा, या तो साइन बनेगा या फिर कोसाइन का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो लिख लो, वेव में लिखना, वेव का डेफिनेशन, लिखना, वेव इज डिफाइंड एज पैटर्न, वेव इज डिफाइंड एज पैटर्न, वेव इज डिफाइंड एज पैटर्न which travels from one place to another place, which travels from one place to another place, full stop, line छोड़ के लिखना, due to propagation of wave, transfer of mass does not take place.
transfer of mass does not takes place. Full stop. फिर next line लिखना. During propagation of wave, energy is transferred from one place to another place. One place to another place. Full stop. Again, next line. Nikla. When a disturbance is passed through a medium. particles of the medium undergo to and fro motion about mean position या about reference लिख सकते हो. Undergo to and fro motion about a reference point. लिख लो. Examples of wave. क्या लिखोगे? Sound wave. या फिर light wave. या फिर लाइट वेव. वो अभी एग्जांपल्स देख रहे हैं. वेव ऑन स्ट्रिंग. वेव ऑन स्प्रिंग. सीस्मिक वेव. एक्सेट्रा. नेक्स्ट लिखेंगे टाइप्स ऑफ वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. कुछ टाइप्स है इसके, जिसमें पहला टाइप क्या डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इसके बारे में अगेन डिटेल में हम कहां पढ़ेंगे, 12th में. अलग से एक चैप्टर है जिसको EMW बोलते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं. तो इसमें लिखना, इन दिस टाइप ऑफ वेव propagation takes place with the help of mutually perpendicular time varying electric and magnetic fields. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लो इसमें. लाइट वेव. लाइट वेव
इसमें एक और लाइन लिख लेना, दिस टाइप ऑफ वेव डज नॉट रिक्वायर, दिस टाइप ऑफ वेव डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन, डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन, दिस टाइप ऑफ वेव डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन. नंबर टू में लिखना, मैकेनिकल वेव लिखना इसमें, वेव विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन, वेव विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फ्रॉम फॉर इट्स प्रोपागेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फॉर इट्स प्रोपागेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, one place to another place is known as mechanical wave. mechanical wave examples mein likh lo, sound wave, wave on water, wave on string, seismic wave, etc. ये सारे वेव क्या है? मैकेनिकल वेव है, क्योंकि इनको क्या चाहिए? मीडियम चाहिए. फुल स्टॉप दे करके नोट में लिख लो, mechanical wave does not propagate through vacuum. तो अगर एक वैक्यूम चैम्बर है, उसमें दो आदमी खड़ा होकर के बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? एक की आवाज दूसरे कान तक नहीं पहुंचेगी. मैकेनिकल वेव डज नॉट प्रोपागेट थ्रू वैक्यूम. नेक्स्ट लगेंगे टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. मीडियम के जो पार्टिकल्स है, उनके मोशन के अकॉर्डिंग भी वेव को कितने पार्ट में डिवाइड कर गया? टू पार्ट में. हाँ, ट्रांसवर्स वेव और नंबर टू इज लॉन्गिट्यूडनल, जो ट्रांसवर्स समझने के बाद लिखेंगे. लिखना इसमें, In this case of wave, particle vibrates in perpendicular direction. Particles vibrate in the perpendicular direction to the direction of perpendicular direction vibrates
vibrate in the perpendicular direction to the direction of propagation of wave. To the direction of propagation of wave. समझना इसमें क्या होता है, जैसे वेव इधर से इधर ट्रांसफर कर रहा है, यहाँ पे ए पे खड़े हैं, वेव किधर जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है, यहाँ पे वेव जनरेट हुआ, पहुंच कहाँ गया, बी। अब इसमें जो भी पार्टिकल्स होंगे, इसमें जो भी पार्टिकल्स होंगे वो कैसे मोशन करेंगे, परपेंडिकुलर, या तो ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ के पार्टिकल से पूछोगे तो या तो ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ, एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो इसको नॉर्मल बोल सकते हो या फिर परपेंडिकुलर बोल सकते हो। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स और ये जो डायरेक्शन है, ये एरो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। एग्जाम्पल्स में इसमें लिख लेना, वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑन स्ट्रिंग, हो गया। और ट्रांसवर्स के टाइप में हम इसी को पढ़ेंगे, वेव ऑन स्ट्रिंग। नेक्स्ट लिखेंगे अब लॉन्गिट्यूडनल, नंबर टू इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेव ऑन स्ट्रिंग, रस्सी पे जो वेव बनता है ना वो कैसा होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर रस्सी पे वेव जनरेट कर रहे हो, किसी स्टैंड पे अगर स्नैप लोगे तो स्नैप लोगे तो कैसा आएगा, कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब देखो रस्सी पहले ऐसा था, यहां पे जो पार्टिकल था वो किधर चला गया, इधर चला गया, यहाँ पे जो पार्टिकल था इधर चला गया, ठीक है। कुछ देर बाद देखोगे तो क्या होगा, मे बी आगे की तरफ ट्रांसफर होगा इस तरीके का, ऐसा। तो अगेन यहाँ का जो पार्टिकल अब किधर है, इधर है, तो इसका जो मोशन हो रहा कैसे हो रहा है, ऊपर नीचे, और वेव किधर से किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। हरी बात समझ में, तो ऐसे वेव को क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। अब देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, देखना लॉन्गिट्यूडनल वेव में, इन दिस टाइप ऑफ वेव पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, this type of wave particles of the medium oscillates, in this type of wave particles of the medium oscillates in the direction of propagation of wave। डायग्राम बना लो, अगर खुद से बोला जाए डायग्राम बनाने का तो बना दो, क्या होगा, ये डायरेक्शन किसका है, वेव प्रोपगेशन का, ए से बी जा रहा था वेव, ठीक है। वेव कहां से कहां जा रहा था, ए से बी। अब बात करते हैं किसी पार्टिकल का, यहाँ पे अगर किसी पार्टिकल को देखोगे तो ये जो वाइब्रेट करेगा इसी डायरेक्शन में करेगा, इसी लाइन का लॉन्ग करेगा। अरे बात समझ में, अब टू एंड फ्रो मोशन करने के लिए आगे पीछे जाना पड़ेगा ना, तो ये जो डायरेक्शन है उसी के उसी लाइन के अलोंग हो रहा है, या फिर यहां पे कोई पार्टिकल होता उसको अगर देखोगे तो क्या होगा, अगेन यहां से जो वेव जनरेट होगा उसमें जो भी पार्टिकल है वो कैसे डिस्टर्ब कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन जो होगा हर एक पार्टिकल का, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। एग्जाम्पल क्या है इसका, साउंड वेव, कौन सा वेव बोल रहे थे तुम, स्प्रिंग पे, हाँ, वेव ऑन स्प्रिंग, स्लिंकी देखे हो, स्लिंकी, स्लिंकी समझते हो, नहीं समझते,
नहीं समझते हो तो छोड़ो, अब क्या ही इमेजिन करवाएंगे। वो कनेक्टेड कनेक्टेड वाला चूड़ी देखे हो, उसी को स्लिंकी बोलते हैं। जो चूड़ी होता है ना, जो एक में एक दूसरा कनेक्टेड होता है ऐसे, जो हाँ जो ऐसे ऐसे करते, उसी को इंग्लिश में स्लिंकी बोलते हैं। बांग्ला में क्या बोलते हैं? बच्चों का खिलौना। हाँ तो उसको, वो क्या होगा, उसपे जो वेव होगा ना, स्लिंकी जो है, स्लिंकी पे हम दोनों वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसा कैसा? लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स भी, क्योंकि स्लिंकी जो होता है ना बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। स्लिंकी को, स्लिंकी का जो ये होगा कुछ इस तरीके हुआ, स्प्रिंग टाइप का, लेकिन एक दूसरे से चिपका चिपका। तो इसको अगर ऐसे धक्का दोगे तो कैसा वेव जनरेट होगा? लॉन्गिट्यूडनल। और अगर यहां से डिस्टर्ब करोगे तो यहाँ पे जो वेव जनरेट होगा वो ट्रांसवर्स होगा। तो एक बार पूछा था बहुत पहले, एक बार स्टेट बोर्ड का एक, मतलब स्टेट मेडिकल का कोई एग्जाम था जिसमें पूछ दिया था कि वेव ऑन स्लिंकी इज ट्रांसवर्स इन नेचर, लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, बोथ, नॉन ऑफ दीज। क्या होगा? बोथ होगा, क्योंकि स्लिंकी क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जिसपे दोनों वेव प्रोड्यूस हो सकता है। हो गया। अब हमारे पास जो मीडियम है वो किस किस टाइप का है? मीडियम या तो सॉलिड हो सकता है, या फिर लिक्विड, या फिर गैस। ठीक है। अब जो ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव गैस में कभी देखे हो? गैस में ट्रांसवर्स वेव या लिक्विड में ट्रांसवर्स वेव पॉसिबल है? नहीं। क्यों? वाटर में जो रिपल प्रोड्यूस हुआ वो किस नेचर का होता है? ट्रांसवर्स नेचर। लॉन्गिट्यूडनल होता है उसमें। अब देखो होता क्या ना कि ट्रांसवर्स नेचर के लिए, लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स के लिए तुमको क्या चाहिए? जो फोर्सेस होते हैं ना वो शेयरिंग नेचर के होते हैं। शेयरिंग फोर्स समझते हो ना, शेयरिंग फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, ये पढ़ाएंगे अभी, आएगा चैप्टर तुम्हारा। शेयरिंग फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स दो टाइप के नेचर होते हैं। अब कंप्रेसिव फोर्स जो है ना, कंप्रेसिव फोर्स की जरूरत पड़ती है लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए। कंप्रेसिव फोर्स किसमें जरूरत पड़ता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए। तो ऐसा बॉडी जो कंप्रेसिव फोर्स क्या कर सकता है? बियर कर सकता है। ठीक है ना। वहां पे क्या फोर्स जनरेट होगा? लॉन्गिट्यूडनल फोर्स जनरेट होगा। और जो ट्रांसवर्स नेचर का, ट्रांसवर्स नेचर है वेव का, वो प्रोड्यूस होता है जनरली ड्यू टू शियर। तो ऐसे मैटर्स जो शियरिंग फोर्स को क्या कर सके, शियरिंग फोर्स को, मतलब वही विदस्टैंड कर सके, वहां पे क्या जनरेट होगा? ट्रांसवर्स वेव जनरेट होगा। आ रही बात समझ में? तो नोट में लिखना, नोट में लिखो नेचर ऑफ फोर्स, नोट में लिखना नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स फॉर ट्रांसवर्स वेव, नेचर ऑफ फोर्स फॉर ट्रांसवर्स वेव, नेचर ऑफ फोर्स फॉर ट्रांसवर्स वेव इज शियरिंग, इज शियरिंग, इज शियरिंग एंड and and for longitudinal wave, and for longitudinal wave shearing, and shearing के बाद and shearing word सुने हो ना पहले कभी, कि सीधे सीधे यही पे आके सुन रहे हो। हाँ, and for longitudinal wave, and for longitudinal wave nature of force is compressive, nature of force is compressive, therefore longitudinal wave, therefore longitudinal wave can be propagated, longitudinal wave can be propagated in all mediums which can withstand compressive force। जैसे जो साउंड है, साउंड वेव कहाँ कहाँ प्रोपेगेट हो सकता है? सारे मीडियम में। स्टील ले लो, या फिर वाटर ले लो, या फिर एयर ले लो, जो साउंड है तीनों मीडियम से ट्रेवल कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्योंकि नेचर कैसा है, कंप्रेसिव होना चाहिए फोर्स का, क्योंकि यहां जो भी ट्रांसफर होता है
वेव का फ्रॉम वन प्लेस से अनदर प्लेस किस फॉर्म में होता है? इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रियर फैक्शन। 10th क्लास में बताया जाता है साउंड वेव में कि साउंड वेव एक जगह से दूसरे जगह किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशन रियर फैक्शन। कंप्रेशन का क्या मतलब होता है? एक ऐसा रीजन जहां पे सारे पार्टिकल क्या हो गए, कंप्रेस हो गए। और रियर फैक्शन का मतलब एक ऐसा रीजन जहां पे पार्टिकल्स क्या हो गए, दूर दूर चले गए, एक दूसरे से नॉर्मल कंडीशन से सेपरेट हो गए ज्यादा। और अगर नॉर्मल कंडीशन में प्रेशर पी नॉट है तो जो कंप्रेसिव जोन है वहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट से ज्यादा होगा। और जो रियर फैक्शन वाला जोन है वहां पे क्या होगा, लेस देन पी नॉट होगा। तो जहां जहां कंप्रेशन हो रहा है वह प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, या डेंसिटी के टर्म में भी बात कर सकते हो, डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वो पढ़ेंगे डिटेल में अगेन जब साउंड वेव डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात यह है कि अगर कुछ भी वेव है तुम्हारे पास तो उसका इंफॉर्मेशन हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इक्वेशन, कि कहां का पार्टिकल किस टाइम पे कैसे ओसिलेट कर रहा है। मान लो ये मीडियम था, इस मीडियम में एक वेव प्रोपेगेट कर रहा है, ठीक है। तुम कहां पे बैठे हो, यहां पे एक्स कॉमा टी पे तुमने बैठा, तुम्हें क्या देख रहे हो कि यहां पे जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, ओसिलेट करेगा। अगर ये ट्रांसवर्स नेचर का है तो परपेंडिकुलर, और लॉन्गिट्यूडनल नेचर का है तो, ठीक है। अब देखो ये जो डिस्टर्बेंस तुम्हारे पास पहुंचा किसी टाइम पे कहां होगा, जीरो पे होगा, 0,0 पे। अगर तुम्हारे पास पहुंच रहा है इधर x है और इधर की तरफ y है, y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम ओरिजिन से कितना दूर बैठे हुए हो। तो तुम कहां बैठे थे, x, t पे बैठे हुए हो। x, t का तुमने पार्टिकल देखा ना, तो ये क्या कर रहा है, SSM कर रहा होगा। x, t पे जो भी पार्टिकल है वो क्या कर रहा होगा, SSM कर रहा होगा, क्योंकि इसमें सारे जितने भी पार्टिकल है सबके सब क्या कर रहे होंगे, SSM कर रहे होंगे। और SSM का इक्वेशन क्या होता है, SSM अगर वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है तो जो इक्वेशन होगा वो y के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, क्योंकि अभी डिस्प्लेसमेंट किस टर्म में दिखाएंगे, y के टर्म में दिखाएंगे। तो इट विल बी कितना, a sin ओमेगा t। अभी phi को भूल जाओ, क्यों, क्योंकि phi को जीरो कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन इनिशियल कंडीशन, तो वो कर देंगे, उसमें परेशान मत होना कि सर फाई अपने मन से हटा दिए, मन क्या हटा दिए, फाई जब आएगा तो बुला लेंगे उसको। कोई भी पार्टिकल को देखोगे तो उसके लिए इक्वेशन ये लिख सकते हैं, हमने यहां बैठा टी टाइम पे, यहां पे बैठ के देख रहे हैं कि ये पार्टिकल कैसे ओसिलेट कर रहा है, कहां पे, एक्स। अब ये जो डिस्टर्बेंस आया ना, आया यहां पे, ये कुछ देर पहले कहां होगा, जीरो पे होगा, कुछ देर पहले कहां होगा, यहां पे होगा। कितना देर पहले यहां पे होगा, नहीं, टी टाइम पहले नहीं होगा। ये डिस्टेंस कितना है, एक्स है। अगर वी वेलोसिटी से चल रहा है, अगर वी वेलोसिटी चल रहा है, ये डिस्टेंस एक्स है, तो कितना देर पहले वेव यहां होगा, कितना, एक्स बाई वी टाइम पहले कहां होगा, यहां होगा। मतलब अगर कोई ओरिजिन का डिस्टर्बेंस देखना चाहेगा, तुमने अभी कहां का डिस्टर्बेंस देखा, एक्स कॉमा टी पे, मतलब टी टाइम पे हमने देखा कि x पे जो पार्टिकल है उसका डिस्टर्बेंस कौन सा फंक्शन दे रहा है, साइन का फंक्शन, कुछ ऐसा फंक्शन है, क्योंकि SSM कर रहा है। अब हमें यहां का नहीं चाहिए, अगर हम इस पॉइंट का दे दे, किसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में बता दे, तो वो पूरे पार्टिकल का रेस्पेक्ट में बताएगा। मेन क्या होता है, रेफरेंस डिसाइड करना। अगर उस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में तुम्हें हर चीजें पता है, तो बाकी किसी भी पार्टिकल के लिए, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टाइम पे चाहिए तो पता कर सकते हो। तो हमने अभी कहां बैठ के देखा था, x, t पे देखा कि ये पार्टिकल SSM कर रहा है इससे। अब इसको क्या करेंगे ना, x, t के रेस्पेक्ट में हमें नहीं देखना, हमें किसके रेस्पेक्ट में देखना है, 0,0, क्योंकि अगर इसके रेस्पेक्ट में पता हो जाए तो हम सब कुछ बता सकते हैं। यहाँ पे कोई भी पार्टिकल रखो, कोई भी t का वैल्यू रखो, बता लोगे। तो देखो, जब तुम यहां का पता है ना, तो तुमको पता है कि जो ओरिजिन पे होगा वेव, जब ओरिजिन पे वेव होगा तो कितना टाइम लिया होगा उसने, कितने टाइम पहले होगा, टी जो होगा इट विल बी एक्स बाई वी पहले। तो इसमें से, इस टाइम में से ये वाला टर्म घटा लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। मतलब टाइम कितना घटाना पड़ेगा, तुमने कितना टाइम दिया, इतना, लेकिन कुछ देर पहले वेव यहां था, कितना देर पहले, कितना टाइम पहले। तो इस वाले टर्म में से ये घटा लोगे तो तुमको जो डिस्टर्बेंस मिलेगा वो कहां का मिलेगा, ओरिजिन का मिलेगा। अगर ये टाइम तुमने घटा लिया तो वेव यहां से ऐसे चलते चलते आ रहा था, ठीक है। तो टी टाइम पे तुमने देखा, यहाँ पे पीछे जाओगे, कितना टाइम पीछे, इतना टाइम पीछे, तो डिस्टरबेंस कहाँ होगा, ओरिजिन का। और वही जो डिस्टरबेंस है वो इक्वेशन देगा वेव का, क्योंकि ये इक्वेशन किसका,
टी टाइम पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को देख रहे हैं, लेकिन हमें पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए, पूरे कंप्लीट वेव का चाहिए। और कंप्लीट वेव में क्या होगा कि एक्स का भी फंक्शन होना चाहिए वो, और किसका फंक्शन, टाइम का भी फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि सारे सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एसेंशन कर रहे हैं। हमें इस पार्टिकल से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, वेव से। तो वेव का रेफरेंस के पॉइंट में अगर इक्वेशन लिख दोगे तो सारा इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा। तो जो वेव होगा, पार्टिकल्स, पार्टिकल एट ओरिजिन, ये वेव क्या ओरिजिन से ही पहले शुरू हुआ था? हाँ, कहीं से शुरू होगा हमें क्या पता, हमें बस इतना पता है कि किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। हम कहाँ बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। ये अपोजिट डायरेक्शन से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, कैसे आ रहा होगा, लेकिन तुम कहाँ बैठे हो, x, t पे। तो तुम्हें कहाँ का चाहिए, यहाँ का इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वेव को इधर से बुला लो, मे बी वो कहीं और से स्टार्ट होकर आ रहा होगा, उस समय मतलब नहीं है। हम अपना रेफरेंस सेट कर लिए, उस मीडियम में हमने क्या करा, अपना रेफरेंस लग गया। अगर उस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में हमें इक्वेशन पता है तो वो सारी की चीजें बता देगा, सारी के सारे इंफॉर्मेशन दे देगा। तो मे बी इधर से भी ट्रेवल होकर के आ सकता है, उसके लिए भी इक्वेशन लिखेंगे। लेकिन अभी हम क्या लिख रहे हैं, व्हेन वेव इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, वेव किधर ट्रेवल कर रहा है, पॉजिटिव, लिखना नहीं अभी। तो यहां से क्या होगा, अगर वाई के लिए लिखोगे तो कितना आएगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। इसको कंबाइन करोगे, ओमेगा को अंदर भेजोगे, ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी इंटू एक्स, या फिर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जहां के क्या है, वेयर के इज इक्वल टू ओमेगा बाई बी, जिसको वेव नंबर बोलते हैं। ये जो इक्वेशन तुम्हारा आया, ये इक्वेशन किसका आया, वेव का इक्वेशन आया। ये पार्टिकल का इक्वेशन नहीं है, ये किसका इक्वेशन है, वेव का इक्वेशन है। क्योंकि तुमको चाहिए क्या, किसी भी टाइम पे कौन सा पार्टिकल कैसा मोशन दे रहा है, किसी भी टाइम पे कौन सा पार्टिकल, तो किस टाइम पे टी की वैल्यू पुट कर देंगे, कौन सा पार्टिकल पुट कर दोगे, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई भी पार्टिकल किसी भी टाइम पे उठा लो। तो ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ वेव, या इसको प्रिसाइजली बोलोगे तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। क्या बोलेंगे इसको, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। कोई भी वेव किसी किसी ऐसे अनकन्फाइंड रीजन में मूव कर रहा हो, अनकन्फाइंड रीजन समझते हो, मतलब अनबाउंडेड रीजन, क्लोज रीजन नहीं है, वेव को छोड़ दो, खुला घूम रहा है, वैसे वेव को क्या बोल रहे हैं, उसको प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं, ठीक है ना। जो एनर्जी का ट्रांसफर करे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एनर्जी किसी रीजन में कन्फाइन होकर के नहीं रहे, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। तो तुम्हारा हेडिंग क्या होगा यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। सारी जो वेव्स, जितने वेव्स के मैंने नाम लिए अभी तक, सारे के सारे वेव कैसे हैं, प्रोग्रेसिव वेव है। सिंगल वेव, जैसे साउंड का कोई वेव ले लो, लाइट का कोई वेव ले लो, सिस्मिक वेव ले लो, वेव ऑफ निस्टिंग ले लो, सारे किस कैटेगरी में आते हैं, प्रोग्रेसिव वेव में आते हैं। हाँ, अगर रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर तुमने सारी चीजें बता दिया तो इसी के रेस्पेक्ट में ना सारी चीजें बताओगे। रेफरेंस का काम क्या होता है कि उसके रेस्पेक्ट में बैठ के किसी भी चीज का इन्फॉर्मेशन बता सकते हो। तो तुम एक्स पे बैठे थे लेकिन तुम्हें इसका इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, तुम्हें किसका चाहिए, इसका चाहिए था, इसलिए जानबूझ करके पीछे ले गए ताकि हमें किसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए, पूरे वेव का। अगर यही चीज इधर ट्रांसफर करता, वेलोसिटी का डायरेक्शन मैं चेंज कर दे रहा हूँ, वेव किधर जा रहा है, अब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ठीक है, समझ लो, वेव किधर जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तुम्हें कब मिला था, एक्स कॉमा टी पे मिला, अब ओरिजिन पे कब पहुंचेगा, ओरिजिन पे अब ज्यादा टाइम लेगा, ओरिजिन पे क्या लेगा, ये वाला टर्म क्या करना पड़ेगा, एड करना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास पहुंचा, तुमसे इधर साइड में ओरिजिन है, ठीक है, तो v वेलोसिटी चल रहा था, तुम्हारे पास पहले पहुंच गया, तो ओरिजिन पे कब पहुंचेगा, एक्स्ट्रा टाइम लेगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो लिखना इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव में, लिखो, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, दिस इक्वेशन
नहीं नहीं पहले लिख लो, हेडिंग लिख लो. दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ द मीडियम at any instant of time. ठीक है, अब यहां पे समझना, कोई पूछ रहा है तुमसे बता दो कि टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे एक्स इक्वल्स टू 5 मीटर पे जो पार्टिकल है उसका इंफॉर्मेशन बताओ कि वो कितने से डिस्प्लेस हुआ है. क्या करोगे, टी पुट कर दो और एक्स पुट कर दो, वाई क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा किसका, पार्टिकल का, कि कैसे ओसिलेट कर रहा. और वो क्यों ओसिलेट कर रहा था, ड्यू टू डिस्टर्बेंस. जो डिस्टर्बेंस किसका है, वेव का डिस्टर्बेंस है. तो अगर पार्टिकल का इंफॉर्मेशन तुम्हें पता है, यानी तुम किसका इंफॉर्मेशन दे रहे हो, वेव का इंफॉर्मेशन दे रहे हो. उसके बाद लिखोगे ए में वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. ये नीचे वाला एक क्वेश्चन लिख लेना, ये सारा चीज छोड़ देना, वो बस समझाने के लिए था. ये नीचे वाला लिख लेना, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. ठीक है, पता कैसे करते, कभी कभी इक्वेशन दे देता है और तुमसे पूछता है कि जो गिवन वेव है वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है. तो एक्स का कोफिशियंट अगर चेक करोगे, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो किसका कोफिशियंट चेक करेंगे, एक्स का. अगर एक्स का कोफिशियंट यहाँ माइनस है तो वेव किधर ट्रांसफर करेगा, पॉजिटिव की डायरेक्शन में. और बी में लिख दो वेव ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में क्या देगा तुमको, जहां पे माइनस है वहां पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा. ठीक है, अब तुम्हारा मन हो ना तो इस इक्वेशन में 5 पुट कर सकते हो, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है. अगर तुम्हारा मन हो रहा है कि इसमें क्या पुट कर दे, 5 पुट कर दे, क्योंकि मे बी ये जो इक्वेशन था एसएचएम का, यहाँ पे कुछ इनिशियल फेज डिफरेंस हो सकता है. तो अगर तुम इनिशियल फेज डिफरेंस यहाँ पे रखते तो ये 5 यहाँ भी दिखता. ठीक है, या जो भी इक्वेशन तुम लिख रहे हो उसमें भी दिखता. तो अगर नेगेटिव डायरेक्शन में देखोगे यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा. तो दो तरीके के इक्वेशन हो सकते हैं प्रोग्रेसिव, एक नेगेटिव एक्स की तरफ और एक पॉजिटिव एक्स की तरफ. पता कैसे करेंगे, पता करेंगे एक्स के साइन से, एक्स के कोफिशियंट से. अगर एक्स का कोफिशियंट कैसा है, माइनस है, ठीक है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा. और अगर ठीक है, जहां के क्या लिख दो, वेर के का वैल्यू क्या था ओमेगा बाई भी, वेर के इज वेव नंबर या एंगुलर वेव नंबर भी इसको बोलते हैं, वेव नंबर और एंगुलर वेव नंबर भी बोल सकते हैं. ओमेगा क्या है तुम्हारा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, भी क्या है, वी इज योर वेव वेलोसिटी. किसका वेलोसिटी, वेव का, पार्टिकल का वेलोसिटी नहीं है, ये किसका वेलोसिटी है, वेव का वेलोसिटी है. ध्यान देंगे इस पे, और वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा, वेव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव. यानी भी जो है तुम्हारा, अगर एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो भी विल बी dx बाई dt. वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, dx बाई dt से निकालेंगे. कभी भी इस वेलोसिटी को किससे कैलकुलेट नहीं करेंगे, dy बाई dt से कैलकुलेट नहीं करोगे, क्योंकि dy बाई dt क्या देगा, पार्टिकल का वेलोसिटी देगा.
डीवाई बाई डी टी क्या देगा, पार्टिकल का वेलोसिटी देगा, क्योंकि पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, वाई डायरेक्शन में। तो बच्चे मतलब कॉमन मिस्टेक होता है, जैसे ही सवाल में पूछता है व्हाट इज वेव वेलोसिटी, किससे कैलकुलेट कर देते हैं, डीवाई बाई डी टी से। लेकिन डीवाई बाई डी टी वेव वेलोसिटी नहीं है, क्या इसका वेलोसिटी है, पार्टिकल का वेलोसिटी है। तो नीचे लिख सकते हो नोट में, वीपी इज इक्वल टू डीवाई बाई डी टी रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। साइन के अंदर जो टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इस पूरे टर्म को क्या बोलेंगे, फेज बोलेंगे। तो इस बार फेज किस पे डिपेंड करेगा, दो चीजों पे डिपेंड करेगा फेज जो है इस बार, किस पे डिपेंड करेगा, टाइम और पोजीशन दोनों पे डिपेंड करेगा। लेकिन जब हम एसएसएम पढ़ रहे थे तो फेज किस पे डिपेंड कर रहा था, तो लिख सकते हो वेयर, इसी में वेयर आर्गुमेंट ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स या प्लस फाइव भी लिख सकते हो रिप्रेजेंट्स व्हाट, रिप्रेजेंट्स फेज व्हिच डिपेंड्स ऑन पोजीशन एंड टाइम बोथ। तो और कभी बोले जाए कि टू पार्टिकल्स आर इन सेम फेज, दो पार्टिकल को क्या ले अगर सेम फेज में लेंगे तो ये वैल्यू दोनों के लिए क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। टाइम भी अलग हो सकता है और एक्स भी अलग हो सकता है, दोनों अलग हो सकता है। लेकिन अगर तुमसे बोला जाए कि दो पार्टिकल्स है एंड बोथ आर इन सेम फेज, ठीक है, तो सेम फेज में पार्टिकल के लिए दिस टर्म विल बी कॉन्स्टेंट। तो नीचे लिख लो फॉर पार्टिकल्स इन सेम फेज, For particles in same phase, omega t plus minus, plus minus क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उस पर डायरेक्शन डिपेंड करता है, omega t plus minus plus phi remains constant. For particles in same phase, हाँ omega t, ये जो ऊपर टर्म लिखा हुआ है omega t plus minus kx प्लस फाइव रिमेन्स कॉन्स्टेंट। लिख लो सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू वेव, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू वेव। पहला लिखोगे amplitude, अब amplitude का definition तुमको पता है, लिख सकते हो खुद से क्या होगा amplitude का definition, लिख लो displacement of the particle या maximum displacement of the particle from mean position। दोबारा लिखवा रहे हैं, यानी जब तीसरी बार आएगा तो नहीं लिखवाएंगे, और तीसरी बार कहाँ आएगा, एक साल बाद एसी में आएगा, अल्टरनेटिंग करंट जब पढ़ोगे ना तो वहां पर भी ऐसा ही इक्वेशन लिखा रहेगा जहां पे लिखा रहेगा आई नॉट, अब वहां पे नहीं बताएंगे इट इज मैक्सिमम करंट या एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, अब समझ में आ जाना चाहिए। हाँ पार्टिकल वेव का कैसे डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहीं चलते तो वेव आ रहा है ना, तो ए जो ये टर्म है यहाँ पे ए जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ना ये y के रेस्पेक्ट में है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स,
तो ए जो है वो किसके बराबर होगा? अगर ये टर्म वन होता तो वाई की वैल्यू कितनी होती? ए होता, और वाई किसका डिस्प्लेसमेंट है? पार्टिकल का. तो इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से. नेक्स्ट लिखना वेव नंबर, वेव नंबर ब्रैकेट में लिख लेना के. अभी बताए थे के क्या होता है, वेव नंबर होता. हाँ, वेव नंबर के लिए लिख लो द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी, रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी इज नोन एज वेव नंबर, इज नोन एज वेव नंबर, इज नोन एज वेव नंबर. नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे वेवलेंथ, वेवलेंथ 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 क्या होता है? ब्रैकेट में लिखता है लेमडा. इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो लिख लेना वेवलेंथ इज डिफाइंड एज मिनिमम डिस्टेंस, वेवलेंथ इज डिफाइंड एज मिनिमम डिस्टेंस between two particles, minimum distance between two particles in same phase. Wavelength is defined as minimum distance between two particles, जो क्या होंगे? Same phase में होंगे. मतलब अगर दो particle तुमने लिया, जैसे ये wave होगा तुम्हारा कुछ इस तरीके से, हमने क्या करा, दो ऐसा particle लिया जिनके बीच जिनका जो फेज है वो क्या होगा? सेम है. मतलब यहां के लिए अगर फेज लिखो और इस पॉइंट के लिए अगर फेज लिख रहे हो तो दोनों क्या होगा? सेम होगा. उसी को बोलते हैं सेम फेज में. तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस इज योर लैम्डा. या फिर सबसे इजी कब समझना है? अगर दो पॉइंट ट्रफ पे हो, इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ. तो ये दोनों पॉइंट क्या होंगे? सेम फेज में होंगे, क्योंकि दोनों मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है. और दोनों की अब टेंडेंसी किधर होगी? नीचे आने की. जो ट्रफ पे पहुंच गया उसकी टेंडेंसी किधर होगी? नीचे आने की. तो दोनों अगर एक साथ नीचे आ रहे हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? या फिर इसको एक और पॉइंट के रेस्पेक्ट में बता सकते हो, दैट इज क्रेस्ट. इसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट. दो क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? लैम्डा होगा. तो और करके लिख लो, और इट इज डिस्टेंस बिटवीन, और इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, और इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव ट्रफ और क्रस्ट, टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स और क्रस्ट. ट्रफ और क्रस्ट का स्पेलिंग आता है ना? नहीं आता. ये होता है ट्रफ और CRESTS. टू कंसेक्यूटिव, दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच में डिस्टेंस ले लो, दैट विल रिप्रेजेंट व्हाट? लैम्डा. या दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस ले लो, दैट विल रिप्रेजेंट व्हाट? ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे रिलेशन बिटवीन वेव नंबर एंड वेवलेंथ, रिलेशन बिटवीन वेव नंबर एंड वेवलेंथ. सोचो एक बार, जितना चीज पढ़ा है उसमें से तुम पता कर सकते हो कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन वेव नंबर एंड वेवलेंथ? हाँ, क्या रेसिप्रोकल? क्या तो एग्जैक्ट रिलेशन बताओ ना. हाँ, उससे यूज कर सकते हो वो यूज. हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो?
एक क्या 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 दोनों सेम ही चीज होता है, वेव नंबर और एंगुलर वेव नंबर दोनों सेम चीज है, बोथ आर रिप्रेजेंटेड बाय के, बी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 2π/λ, लिख लो रिलेशन क्या होगा, के जो होता इट इज 2π/λ, ये कैलकुलेट कर सकते हो। अगर k दिया हुआ है वेवलेंथ निकाल लेंगे, वेवलेंथ दिया हुआ है तो फिर अब देखो, अभी तुमने k पढ़ा ना, k क्या होता है ω/v होता है, ठीक है, और ओमेगा क्या होता है तुम्हारा 2π/T, ठीक है, और t इंटू वी जो होगा इट विल कन्वर्ट इंटू लेमडा, आ रही बात समझ में, ω/v और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2π/टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इंटू वेव वेलोसिटी, टाइम पीरियड इंटू वेव वेलोसिटी किसके बराबर होगा, वेवलेंथ के बराबर, सो के विल बी व्हाट 2π/λ। तो कभी कभी जब के जो तुमको के पूछता है उसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो लेमडा देकर के पूछ लेगा या फिर वी और ओमेगा देकर के पूछ लेगा, जैसे देखते हैं अगर कोई सवाल होगा तो इसमें लिख लो, इस सारे टर्म में ये इसमें लिख लो टाइम पीरियड है, ये कैपिटल टी इज व्हाट टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड का डेफिनेशन नहीं बताएंगे, ठीक है, तुम्हारा टाइम पीरियड है, तो द प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी गिव लैम्डा, सवाल लिखना है, क्या हो गया स्केल का लिखना, अ वेव ट्रेवलिंग अलोंग स्ट्रिंग, क्वेश्चन है ये, अ वेव ट्रेवलिंग अलोंग स्ट्रिंग, अ वेव ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय is हाँ string is described by wave traveling along a string is described by y equals to 0.005 sine 80x साइन 80x 80x माइनस साइन 80x माइनस 3t, हो गया, सबने लिख लिया, क्या लिखे हो, y इज इक्वल टू 0.005 साइन 80x माइनस 3t, ये किसका इक्वेशन है, वेव का इक्वेशन है, देन फाइंड a में लिखना टाइम पीरियड ऑफ द वेव, b में वेवलेंथ ऑफ द वेव, सी में लिखना displacement of particle when x equals to 30 cm, and t is equal to 20 second,
होगा टाइम पीरियड कितना हाँ देखो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं खाली अगर तुमको फॉर्मूला याद होगा तो कर पाओगे नहीं याद होगा तो टाइम ही नेगेटिव आ गया तुम्हारा कैसे करते हो हाँ अरे माइनस को बाहर निकाल लो साइन के टाइम नेगेटिव कर दोगे आइंस्टीन फिर उठ के आ जाएगा कि हम इतना नहीं करते हम टाइम को रिलेटिव भी बताए थे तुम टाइम को नेगेटिव बता रहे हो अरे ये साइन वाले इक्वेशन से खेलना नहीं जानते हो क्या अगर इसको माइनस बाहर कर लेते तो इसको क्या लिख देते हैं 0.05 साइन 3t माइनस 80 एक्स लिख सकते हैं तो अगर मास्टर ने ऐसा लिख दिया तो यही लेके बैठ जाओ क्या y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी अगर मैंने इसको लिख दिया ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा था मैंने ऐसा किस लिखा हुआ था अब बुक कहीं पढ़ रहे हो ऐसा लिख दिया ए साइन ओमेगा टी माइनस सॉरी के एक्स माइनस ओमेगा डी फिर तो पागल हो जाओगे ना पागल सर इस बुक ने तो टाइम को क्या कर दिया नेगेटिव बता दिया अरे दोनों सेम ही है ये जो गिवन इक्वेशन है गिवन इक्वेशन में अगर मैं ऐसा लिख दूं प्लस फाइव की जगह पाई लिख दूं तो क्या होगा माइनस बार आएगा और अगेन अगर यहाँ पे जो माइनस बार है उसको अंदर करूंगा तो ये पलट नहीं जाएगा हाँ तो साइन उसके लिए मत परेशान होगा क्योंकि साइन सर आपने जो इक्वेशन लिखवाया था बुक में कुछ अलग दे दिया या फिर टाइम नेगेटिव हो गया इस इक्वेशन को देख करके ये सब बेसिक है अब तुम्हारा बेसिक भी बहुत वीक है फिर वो पढ़ाने के लिए 11th स्टार्ट करना पड़ेगा तो 2 साल का ड्रॉप ले 11th 12th पढ़ लो फिर उसके बाद एक बार और ड्रॉप लेके तैयारी करना नहीं तो अगर इन सब चीज में उलझे रहेगा ना तो फिर नीट हो गया चलो कंपेयर करोगे ए की वैल्यू कितनी होगी 0.005 मीटर टी का जो भी कोफिशियंट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है टी का जो भी कोफिशियंट होगा दैट विल रिप्रेजेंट ओमेगा यानी ओमेगा कितना है 3 रेडियन पर सेकेंड अब एक्स के साथ जो भी टर्म लगा रहता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है एक्स के साथ जो भी टर्म लगा रहता है वो रिप्रेजेंट करता है के ठीक है और के की जो वैल्यू होगी दैट इज व्हाट 80 इसका यूनिट क्या होगा तो इसका तो यूनिट बताया नहीं ओमेगा बाय वी क्या यूनिट होगा हाँ अगर ओमेगा बाय वी करोगे ना तो इसका यूनिट होता है पर सेकंड इसका यूनिट क्या होता है मीटर ठीक है हाँ तो इसको कन्वर्ट करोगे तो 1 बाई मीटर स्क्वायर सॉरी मीटर सेकंड स्क्वायर ये भी सेकंड नीचे चला गया सेकंड कौन सी लाउड सॉरी 1 इनवर्स मीटर इनवर्स सेकंड कैंसिल आउट हो गया तो के का जो यूनिट होता है वो मीटर इनवर्स होता है यहां से जैसे देख लोगे ये जो यूनिट होता है ये यूनिटलेस होना चाहिए अब देखो यहाँ पे जो माइनस साइन से कंफ्यूज हो रहा है ना कि माइनस साइन यहाँ आ गया टाइम के साथ तो ये टाइम को नेगेटिव कर देगा माइनस साइन जो भी होगा इसके बीच में ये टर्म के बीच में जो माइनस साइन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को कि वेव किधर जा रहा है पॉजिटिव एक्स की तरफ या नेगेटिव एक्स की तरफ तो यहां से देखोगे तो वेव किधर जा रहा है अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो इधर से वेव किधर जाएगा और ये वाला माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वेव क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा अपने जगह पे कभी भी इससे यहां से माइनस बाहर वाला जो कोफिशियंट है उससे नहीं पूछेंगे क्योंकि माइनस कोफिशियंट लगने से मतलब है ना कि अगर तुमने वेव ऐसा प्लॉट करा हुआ है तो माइनस लगा दोगे तो वेव कैसा हो जाएगा उल्टा हो जाएगा अंदर वाला जो ये साइन है ना ये जो साइन माइनस और ये जो यहाँ माइनस साइन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव अगर यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है तो वेव किधर की तरफ प्रोपागेट कर रहा है पॉजिटिव वेव की तरफ या इस केस में भी पॉजिटिव एक्स की तरफ अगर यहाँ पे बीच में प्लस होता यहाँ पे क्या होता प्लस होता तो किधर घूमता नेगेटिव की तरफ जाता तो साइन जो भी है इसके आर्गुमेंट के अंदर जो भी साइन होगा टाइम का
या एक्स का डैट विल रिप्रेजेंट व्हाट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, कभी भी उससे नेगेटिव टाइम या नेगेटिव एक्स नहीं सोचेंगे। समझ में आ गया? अब जो जो चीज तुमसे पूछ रहा है वो कैलकुलेट कर लो। पहला क्या चीज पूछा? टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड क्या होता है? 2π/ω, तो कितना हो जाएगा? 2π/3 सेकंड। नेक्स्ट क्या पूछा? लैम्डा कितना होता है? 2π/k, सो इट विल बी π/40 मीटर। नेक्स्ट क्या पूछा? डिस्प्लेसमेंट कब? 0.005 sin 80 into 30। तो 30 को सेंटीमीटर में लिखा हुआ ना, तो सबसे पहला काम क्या होगा तुम्हारा? मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो मीटर माइनस 3 into टाइम कितना दिया हुआ है? 20 सेकंड में दिया हुआ, तो उसको ऐसे ही रखोगे। सिंप्लीफाई करो, साइन के अंदर जो टर्म आ रहा है उसको ऐसे ही रहने दो। अब परेशान मत हो जाना कि साइन कितना आ गया, 36 डिग्री नहीं होगा। जो भी टर्म यहाँ पे आएगा किस में होगा? रेडियन में होगा। यहां से जो रिजल्ट आएगा ना, उसको अपने मन से डिग्री में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सारी चीजें ऐसा यूनिट में रखे हो। ये सारी चीज ऐसा यूनिट में रखो ना, तो एंगल भी किस में आएगा? ऐसा यूनिट में आएगा। और ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। तो वो रेडियन में पुट करेंगे, कभी भी उसको डिग्री करके कैलकुलेटर में पुट करके पागल मत हो जाना। नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ से माइनस जो बाहर खींच के आएगा ना, वो बताएगा कि जो पार्टिकल जिसको तुम देख रहे हो किधर की तरफ डिस्प्लेस हुआ? नीचे की तरफ हुआ। मीटर में अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया तो मीटर में, अगर मेंशन किया होता तो उसमें लेते। अगर सेंटीमीटर लिख देता, ये पूरा इक्वेशन लिखने के बाद इधर सेंटीमीटर लिख देता, तो क्या मानते? ये जो यूनिट है ये किस में है? सेंटीमीटर में। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ऐसा यूनिट में लेंगे हमेशा, कुछ मेंशन नहीं किया गया तो ऐसा यूनिट में लेते हैं। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन यहां तक? हो गया? कितना बजे तक क्लास होता है? 30। चलो फिर हो गया, मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन। एम्पलीट्यूड यार, एम्पलीट्यूड वैल्यू क्या? ये भी तुम्हारा एम्पलीट्यूड है, दिस इज ऑल्सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और ये भी तुम्हारा क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। बस एम्पलीट्यूड तुमसे पूछने का मतलब है ना, वो पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। अगर तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछता कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, तब उसको दो तरीके से बता सकते हो, वाई इज इक्वल टू या तो ए या फिर वाई इज इक्वल टू माइनस है, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। Thank you.